आज मैंने नड्डा जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जेपी नड्डा जी मेरे मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, और उनसे मैंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। जो उन्होंने कारण, सबसे पहले हमारी शर्त ये थी कि आप जेजेपी पार्टी से अगर अपना गठबंधन रखोगे तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं। आपने इस्तीफा दे दिया, आपकी धर्मपत्नी प्रेमलता ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्या दोनों कल कांग्रेस में शामिल होंगे या सिर्फ आप अकेले शामिल हो रहे हैं? कल हजारों साथी शामिल होंगे, हमारी जो लिस्ट है वो भी अभी 1500 के करीब साथियों ने लिस्ट बना के भेजी है। लोगों के मन में अब ये बातें आ गई, और कोई ये कहना जी साधारण आदमी को नहीं पता, वो तो अभी भी राम मंदिर के चक्कर में, ऐसी बात नहीं है। लोग समझने लगे कि राम मंदिर, राम तो हमारा भी है, सबका है, उनका ठेका है क्या बीजेपी का राम मंदिर पे? अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा राजनीति के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह कल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने बीजेपी के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी साहब, माना जाए कि कल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं क्योंकि पूरा आपका जिस तरीके से संदेश चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या आपने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? बीजेपी के पद तो मेरे पास थे नहीं, मैं तो प्राथमिक सदस्य था। जैसे जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौटाला अजय, वो जो बोलते थे कि इनके पास क्या पद है, लेकिन एक पद था मेरे पास, टिकट बांटने वाली कमेटी का कोर ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसका भी मैं सदस्य था। आज मैंने नड्डा जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जेपी नड्डा जी मेरे मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, और उनसे मैंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं, मैंने बोल भी दिया। लेकिन सर, क्या कांग्रेस, क्या जिसका फीडबैक, जो अगर इसका नुकसान बीजेपी की बात करें, हरियाणा में कितना रहेगा? क्योंकि आपने, आपके बेटे ने पहले पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए, आपने आज इस्तीफा दे दिया और कल कांग्रेस में शामिल हो रहे हो, क्या मानते हैं कि बीजेपी को इसका हरियाणा में नुकसान होगा? बीजेपी का तो मेरे पार्टी छोड़ने से या मेरे बेटे का इस्तीफा देने से और बहुत बड़े कारण हैं। हम तो छोटे कारणों में हैं। जो उन्होंने कारण, सबसे पहले हमारी शर्त ये थी कि आप जेजेपी पार्टी से अगर अपना गठबंधन रखोगे तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं, और आज भी बीजेपी को सबसे बड़ा अगर नुकसान हो रहा है तो उनका 4.5 साल जेजेपी के साथ जो गठबंधन है उसकी सजा बीजेपी को मिलेगी। और उसी सजा में हमने भी ये निर्णय लिया कि जब हमारी बात सही बात हम करें कि पार्टी को अगर बनाना है, मजबूत करना है, तो ये तो आपकी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन बात समझ नहीं आई, और हमारा ये निश्चय था। 2 अक्टूबर को मैंने 2023 को बोल दिया था, हमारी बड़ी सभा हुई थी, हजारों हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें कहा था कि हम अगर जेजेपी के साथ बीजेपी समझौता रखेगी तो वीरेंद्र सिंह और उसके साथी बीजेपी में नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से अब दोनों अलग हो गए, बीजेपी अलग हो गई, जेजेपी अलग हो गया, इसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई बीजेपी के नेताओं से? नहीं, मेरी बातचीत तो अब करने का क्या था, ना तो उनको करनी चाहिए मेरे से जी, अब हम अलग हो गए, अब तो कुछ सोचो। जब हमने एक निर्णय ले लिया, और जो सिटिंग एमपी हैं बृजेंद्र सिंह हिसार से, वो कांग्रेस में चले गए, तो कोई बचा नहीं था ऐसी कोई चीज़ जिससे कि कोई दोबारा से सोचने की बात हो। आपने इस्तीफा दे दिया, आपकी धर्मपत्नी प्रेमलता ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्या दोनों कल कांग्रेस में शामिल होंगे या सिर्फ आप अकेले शामिल हो रहे हैं? कल हजारों साथी शामिल होंगे, हमारी जो लिस्ट है वो भी अभी 1500 के करीब साथियों ने लिस्ट बना के भेजी है। हो सकता है, पहले हमारा ख्याल था कि 500-600 लोगों, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको हम यहाँ शामिल करा दें। और इससे पहले हमने ये भी कहा था कि अगर आप हरियाणा के अंदर एक बड़ी रैली हम कर सकते हैं 2-3 लाख लोगों की, वहाँ आके हमारे को शामिल कराओ तो एक हरियाणा में एक संदेश जाएगा लोगों के पास। तो वो तो खैर चुनावी घोषणा होने के बाद ऐसा संभव नहीं था, तो इसलिए यही फैसला लिया गया कि कांग्रेस AICC दफ्तर में
हम कांग्रेस में शामिल होंगे। शामिल तो आप कांग्रेस में हो रहे हैं, क्या टिकट को लेकर निश्चिंत हो गया है कि हिसार से टिकट मिल रहा है बेटे बिजेंदर को या फिर सोनीपत सीट से, क्योंकि दो सीटों पर जो है कहीं ना कहीं चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। देखिए बात यह है कि चर्चा तो हर रोज चलती है और जब नहीं चलती तो आप चलवा देते हो कुछ ना कुछ खबर लगा के तो चर्चा चलने दो, जो फैसला करेगी पार्टी करेगी, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन बेटा मेरा एमपी जो है वो हिसार से है, सिटिंग एमपी, तो इसलिए हमारा यही कहना है कि चुनाव तो यहीं से लड़ेंगे लेकिन पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय है। मजबूती है फिर हिसार में अगर बात करें तो? हिसार में मजबूती है पूरी? मजबूती तो काम करने से होती है, घर बैठ के ये कहें कि हम तो जीते पड़े हैं ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मेक बेस्ट एफर्ट्स। आप मतलब चुनौती रहने वाली है? चुनौती तो हरियाणा में बचा ही क्या, अब रीजनल पार्टियों का तो अस्तित्व नहीं रहा। मैदान में दो ही पार्टियां खड़ी होंगी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। पिछले एक डेढ़ महीने से जो बीजेपी का एक बना हुआ था कि मंदिर निर्माण राम लला जी का और तीन राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कांग्रेस को पीछे धकेल दिया, उस समय लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतर, वो तो 10 की 10 बबोलते थे लेकिन मेरा आकलन भी ये था कि 7-8 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन आज हालात तो उल्टे हो गए और उल्टे भारतीय जनता पार्टी के जो उनका जो कार्यशैली है, जो उनकी सोच है, जिस सोच पे मैं कभी सहमत नहीं, उस सोच को अगर किसी ने, आप कांग्रेस पार्टी चुनाव में है, उनके सारे अकाउंट बैंकों में जितने खाते हैं उनको सील कर दो, ये कहाँ के प्रजातंत्र है? अगर करना ही आप 6 महीने पहले करके दिखाते, लेकिन चुनाव के महीने में एकदम आप फैसला कर दें, चुनाव के महीने में केजरीवाल जी और सोरेन जी को, दो चीफ मिनिस्टरों को आप जेल में डाल दें, चुनाव के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, उससे तो साफ हो गया कि ये तो भ्रष्टाचार की एक नई शैली है। ये लोगों के मन में आप ये बातें आ गई, और कोई ये कहना जी साधारण आदमी को नहीं पता, वो तो अभी भी राम मंदिर के चक्कर में, ऐसी बात नहीं है। लोग समझने लगे कि राम मंदिर, राम तो हमारा भी ये सब का है, उनका ठेका है क्या बीजेपी का राम मंदिर पे? अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार में बदलाव किया गया है, इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं, मैंने आपको अभी पहले बताया था ये जो हरियाणा नहीं देश का मतदाता 6 महीने पहले अपना दिमाग बना लेता है कि मेरे को यहाँ वोट करनी है। आप महीने, 1 महीने 2 महीने पहले उसको कहो कि नहीं 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 हमने अब इसको ऐसे कर दिया, वो कहता जाओ यार अब तो छुट्टी, अब तो जो हमने निर्णय ले लिया वो मेरे दिमाग में, मैं वहीं वोट डालूंगा जो मैंने दिमाग में 6 महीने पहले अपनी बात कायम कर ली है। तो इसलिए ये इस चेंज से कोई बड़ी बात नहीं। तो बिल्कुल, ये चौधरी प्रेम सिंह, इन्होंने खास बातचीत की दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।